नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली इन्फॉर्मेशन में। दरिंदगी का शिकार हुई दलित बच्ची, घर और वारदात वाले शमशान घाट से रिपोर्ट सामने आई है। बता दूं आपको, दिल्ली में रेप के बाद बच्ची को जलाने का मामला सामने आ चुका है। चिता पर लाश उल्टी पड़ी थी ताकि प्राइवेट पार्ट सबसे पहले जल जाए, यानी कि एक तो जिंदा थी तो उसके साथ रेप किया गया और मौत के बाद भी उसके साथ जघन्य अपराध हो चुके हैं। बता दूं उसकी माँ कहती है कि मुझे अपनी बेटी को लेकर डर लगा रहता था कि कोई उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। मैं लड़कियों के साथ हुई घटनाओं की खबरें सुनकर बहुत ज़्यादा डरती थी, इसी डर से मैंने अपनी बेटी को स्कूल भी नहीं भेजा। लेकिन सविता को अपनी बेटी को लेकर यह डर हकीकत बन गया। 1 अगस्त को दिल्ली कैंट के शमशान में उनकी 9 साल की बेटी का रेप के बाद जबरदस्ती जला दिया गया। वारदात वाले दिन क्या हुआ था बता दूं आपको। सविता बताती हैं कि उस दिन इतवार था, 5:30 बजे तक मेरी बेटी बिल्कुल ठीक थी। उसके पापा जी सब्जी लेने गए थे, मैं मज़ार पर चल रहे भंडारे में से घर आ गई थी, तभी शमशान से पुजारी ने आकर बताया कि तेरी बेटी को करंट लगा और वहाँ पर वो ख़त्म हो गई। गुड़िया शमशान कैसे चली गई ये पूछने पर माँ सविता बताती, मेरी बेटी वहाँ रोज़ पानी लेने के लिए जाती थी, फिर रोते हुए कहने लगी कि पहले तो कभी उसे करंट नहीं लगा, फिर उसी दिन कैसे करंट लग गया। शमशान पहुंचने पर मैंने देखा कि मेरी बेटी की लाश को जलाने की कोशिश की जा रही थी। सविता कहती है कि मैंने पंडित से कहा कि मेरी बेटी की लाश ही मुझे दे दो, तो उन्होंने कहा कि तू मज़ार पर भीख मांगती है, तेरे पास अंतिम संस्कार के पैसे होंगे, तू कैसे करेगी, पुलिस आएगी तो तेरी बेटी को चीर फाड़ होगी। बता दूँ आपको, ये सब बताते हुए सविता फपक फपक कर रोने लगी। फिर खुद को संभालते हुए बताती है कि उसकी आंखें बंद थी, बाल खुले थे, आंख नाक से खून बह रहा था, हाथ में चोट लगी थी, ओंठ काले पड़ गए थे और बंद थे। मैं उनसे अपनी बेटी की लाश देने की गुहार लगाती रही, लेकिन उन्होंने उसे ज़बरदस्ती जला दिया। मैंने चिता पर पानी डालने की कोशिश की, लाश बाहर खींचने की कोशिश करने लगी तो मुझे धकेल दिया गया। चिता पर मेरी बच्ची की लाश उन्होंने उल्टी डाल रखी थी ताकि सबसे पहले उसके प्राइवेट पार्ट जल जाएं। सविता की सहेली मीनू बताती हैं कि जब सविता शमशान से बाहर निकली तो बिल्कुल बदहवास थी, बस बार बार यही कह रही थी कि मेरी गुड़िया चली गई, उसे फूंक दिया। सविता और उसकी सहेली मीनू के शोर मचाने पर लोग इकट्ठा हुए, भीड़ शमशान का ताला तोड़कर वहां दाखिल हुई। तब गुड़िया की लाश का अधिकतर हिस्सा जल चुका था। मीनू से सकते हुए बताती हैं, पुजारी ने सविता को धमकाया था कि चुपचाप जाना, रोते हुए मत जाना, किसी को मत बताना, वो तो उसने हमें बता दिया और लोगों जैसे तैसे शमशान में घुस गए, नहीं तो कुछ पता ही नहीं चल पाता। वारदात स्थल पर सन्नाटा। सविता के घर और आसपास के लोगों से बातचीत कर शमशान स्थल पर पहुंचते हैं जहां ये वारदात हुई है। वहां सन्नाटा पसरा हुआ है, बाहर पुलिस का सख्त पहरा है। जिस चिता पर गुड़िया को जबरदस्ती जलाया गया था अब वह भी क्राइम सीन है, पुलिस ने उसी पीली पट्टियों से घेर लिया है। जिस वाटर कूलर से करंट लगने का दावा पुजारी ने किया वो अब हटा लिया गया है। शमशान में कुछ कमरे भी बने हैं जिनमें सामान बिखरा पड़ा है। बरामदे में कुछ कप रखे हुए हैं जिन्हें देखकर लगता है कि उनमें चाय पी गई होगी। बता दूं आपको, शमशान के पुजारी पर माँ को था भरोसा। सविता अपनी बेटी को अपने आप से अलग नहीं होने देती थी, लेकिन शमशान के पुजारी पर उन्होंने भरोसा कर लिया था। बच्ची वहाँ लगे वाटर कूलर से पानी लेने जाती थी, कभी कभी वो पुजारी को चाय बनाकर भी दे दिया करती थी। सविता कभी कभी शमशान में बने कमरों की साफ सफाई कर देती थी, कई बार पुजारी उन्हें खाने का कुछ सामान भी दे देता था। 5 दिन से जारी प्रदर्शन, गुड़िया की मौत के बाद स्थानीय लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। नांगल गांव के लोगों ने मुख्य गेट के बाहर सफ़ेद पंडाल लगवा दिया है जहां लोग गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के कोने कोने से लोग यहां आ रहे हैं। बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। सामाजिक कार्यकर्ता टीना वर्मा भी यहाँ आई हुई हैं। वे कहती हैं, मैं हर गुरुवार को यहाँ पीर बाबा के मंदिर पर आती थी, ये लड़की मुस्कुराती हुई दिखती थी, बड़ी मासूम सी बच्ची थी, उसके साथ ऐसी दरिंदगी की गई, ये सब कब रुकेगा। 33 साल के रोहित का जन्म यहीं नांगल गांव में हुआ। वो कहते हैं कि जैसे ही गुड़िया के बारे में पता चला लोग इकट्ठा हो गए, पूरा गाँव नांगल गाँव जो है इस बच्ची के लिए खड़ा हो गया।
प्रदर्शन में 15-16 साल की नांगल गांव की दो लड़कियां भी आई हैं। वे गुड़िया की याद करती हैं और हमेशा हंसते हुए मिलती थी और तुरंत नमस्ते दीदी कहती थी। जिस तरह लोग मिलकर इस मामले के सामने आए उसमें उम्मीद है कि इंसाफ ज़रूर मिलेगा। तो सोचिए साहब, ये कितनी बड़ी घटना थी, कितनी दर्दगी दिखाई गई, चाहे वो पुजारी हों, पंडित हों या फिर कोई और क्यों ना हो, मिलभगत के जो भी ये किए गए, ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब भी आप वीडियो को शेयर करते हैं तो सच्चाई जनता के सामने पहुँचती है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बने रहिए ओनली न्यू नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।